इनके मीडिया कहानी है सन 1947 हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद की। यह कहानी है सन 1947 पाकिस्तान की सरकार मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में तीन हिंदुस्तानी जवानों को फांसी की सजा सुनाती है। जब पाकिस्तान की सरकार उन तीन हिंदुस्तानी जवानों को फांसी के तख्त तक ले पहुंचती है, तब उन तीन हिंदुस्तानी जवानों से पाकिस्तान की सरकार कहती है कि ए हिंदुस्तानी जवान, मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो हिंदुस्तानी जवान कहते हैं कि ए पाकिस्तान के मुल्क, ए पाकिस्तान की सरकार, मरने से पहले हम हिंदुस्तानी अपने भगवान को बुलाना चाहते हैं। तभी पाकिस्तान की सरकार मंजूरी देती है कि ए हिंदुस्तानी जवान, मरने से पहले तुम अपने भगवान को कितना बुलाना चाहते हो, बुला लो। फांसी रोक दी। ये तो मुसलमान है, अपना पाकिस्तानी भाई है, ये तो मुसलमान है, अपना पाकिस्तानी भाई है, इसे छोड़ दो, उन दोनों हिंदुस्तानियों को फांसी चढ़ा दो। जनाब, ना मैं मुसलमान हूं, ना मैं हिंदू हूं, ना मैं सिख हूं, ना मैं ईसाई हूं, मैं एक हिंदुस्तानी हूं और हमारे हिंदुस्तान में सबका मालिक एक और सबकी मां भारत माता कहलाती है। इसलिए हम अपने आप को ना हिंदू कहलाते हैं, ना मुसलमान कहलाते हैं, ना सिख कहलाते हैं, ना ईसाई कहलाते हैं, हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा।
से अच्छा हिंदुस्तान मारा मारा सारे जहां से अच्छा। आजा जिंदे शाम आने के तले आजा दरे वाले नीले आसमान के तले जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो रति रति सच मैंने जाने गवाई है सची सची कोयलों पे रात बिताई है अखियों के नींद मैंने भूखों से उड़ा दी गिनी गिनी तारे मैंने अंगली जलाई है Subscribe.